हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टीनियासिस। टीनियासिस एक बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है अभी फिलहाल चार पाँच साल से ये टीनियासिस का कहर बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है, ख़ासतौर पर मुंबई जैसे सिटी में। तो इसमें होता क्या है, इसमें सर्कुलर हाइपर पिगमेंटेड लेजन्स आने लगते हैं, ख़ास तौर पर ग्रोइन रीजन में। तो हम डायरेक्टली अगर कभी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली अगर पॉइंट पर आते हैं तो हमको कंप्लेंट्स ऑफ सर्कुलर हाइपर पिगमेंटेड लेजन्स इन ग्रोइन रीजन, जनरली इन ग्रोइन रीजन देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में हमको कैंडिड पाउडर लोकली अप्लाई। और ये कैंडिड पाउडर हम अप्लाई इस तरीके से करवाएंगे कि जब तक पूरा ट्रीटमेंट ना हो जाता, जब तक कि लीजन्स ख़त्म नहीं हो जाते, उसके बाद तक अप्लाई करेंगे। और टी डी सुबह शाम तो है, साथ में मतलब दिन में 3 मरतबा लोकली अप्लाई करना है नहाकर आने के बाद। रोज़ नहाने के लिए आप एडवाइस करिए, उसके बाद में कैंडिड पाउडर को अप्लाई करें लोकली, अप्लाई जहाँ पर लीजन्स है वहाँ पर। उसके बाद में अब ये हम एंटी फंगल ड्रग की अगर बात करते हैं तो एंटी फंगल में टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में आती है, टैबलेट फ्लूकॉस 150 mg टैबलेट जो है ना उसको दे। ये जनरली वीक में वन, मतलब एक हफ्ते में एक मरतबा दे, और इसी तरीके से ये फोर वीक तक इसको जो है ना कंटिन्यू करवाए, फोर वीक तक इसको कंटिन्यू करवाए फ्लूकॉस 150। अगर कभी ये ना होता है तो अब ये एक हफ्ते में एक बार ना खिलाते हुए हम इसको और में ये या इसके टैबलेट ग्रीसोविन 250 mg ये 21 डेज इसको जो है ना कंटिन्यू रखे। और ये TDS मतलब दिन में 3 मरतबा ग्रीसोविन 21 डेज इसको कंटिन्यू रखे। अगर हम बात करें ग्रीसोविन में, तो ग्रीसोविन में हमको ग्रीसियोफोल्विन ये हमको सॉल्ट देखने को मिलेगा जो एंटी फंगल काम करेगा। उसके बाद में अगर हमने फ्लूकॉस 150 की बात करें तो फ्लूकॉस 150 के अंदर फ्लूकोनाजोल हमको देखने को मिलेगा, फ्लूकोनाजोल एज ए एंटी फंगल। ओके, अब कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको मतलब बीमारी ठीक ही नहीं होती, जिनको ड्रग से मतलब पूरा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाता। वो इसलिए भी हो पाता है क्योंकि वो पर्टिकुलर फंगस रेजिस्टेंट हो जाता है। इसलिए हम अगर रेजिस्टेंट कंडीशन है तो टैबलेट फाइटोरल 200 mg ओडी मतलब वंस ऑन अ डे हम ऐड करेंगे। ये 4 वीक तक इसको कंटिन्यू रखेंगे, 4 वीक तक फाइटोरल मतलब बहुत फेमस ड्रग है कीटोकोनाजोल हमको देखने को मिलता है कि भाई कीटोकोनाजोल एज ए एंटी फंगल। ये कब तब रेजिस्टेंट हो जाए, ये हायर एंटी फंगल आप कह सकते हैं। अब हम एडवाइस की अगर बात करते हैं तो एडवाइस में हम ये कहें कि कंप्लीट कोर्स करें, ऐसा नहीं कि लेजन ख़त्म हो गए तो छोड़ दे, नहीं। लेजन अगर ख़त्म हो भी जाते हैं तब भी इसका कंप्लीट कोर्स करना ज़रूरी होता है, वरना रेजिस्टेंट अगर कभी एक बार फंगस हो जाए तो फिर इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे महंगी दवाई अगर हम एंटीबायोटिक में एंटी फंगल एंटी प्रोटोजोआ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा महंगी दवाई एंटी फंगल होती है। अगर वो एक बार ट्रीट नहीं हुआ और रेजिस्टेंट अगर कभी हो गया तो फिर उसको ट्रीट करना समझ लो मौत आ जाएगी, लेकिन मतलब फंगस नहीं आएगा। इसलिए जो इनके बहुत ख़तरनाक कह सकते हैं इसको, और बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं, इसलिए इसको लाइटली ना ले, इसका पूरा कोर्स करें। दूसरी बात कहेंगे कि भाई ऐसे कपड़े ना पहने जो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब ना करें और स्वेट को वहीं के वहीं रखे, नहीं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर दे ताकि जो एरिया है ग्रोइन रीजन खासतौर पे वहाँ पर स्वेट बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है, इसलिए वो स्वेट को चूस ले और वहाँ पर वो जगह को ड्राई रखे। अगर वो ड्राई वेट रहेंगी तो फंगल के लिए हम अगर कभी कहते हैं कि फंगल के लिए ग्रोथ करने के लिए जो कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहेंगी वो तो ये, एक तो वेट हो जगह और दूसरा वहाँ पर हीट ज़्यादा हो। अगर जगह वेट रहती है और हीट ज़्यादा होंगी तो वो फंगस जो है ना ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा उसको जो नहीं क्या उसकी ग्रोथ में जो नहीं क्या बढ़ावा मिलेगा। इसलिए
वो वहाँ की जगह को आप जो है कि वेट रखे, सॉरी वेट ना रखे उसको, जो है कि ड्राई रखे। तो ड्राई रखने के लिए एक जो है ना टूल ये है कि आप पाउडर को ख़ासतौर पर अप्लाई करें। अगर आपके पास एंटी फंगल पाउडर नहीं है तो आप लोकल कोई भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप एंटी फंगल पाउडर को यूज़ करें। इसलिए कैंडिड पाउडर इसीलिए यूज़ किया जाता है।